देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जंग जारी है, लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय और स्वयंसेवक गणेश प्रजापति, भारत सरकार के आवाहन पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, जिनमें रादू विवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार मराठे एवं रादू विवि मुक्त इकाई कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर देवांशु गौतम के निर्देशानुसार प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों से जनसंपर्क किया, जिसमें लोगों को कोविड वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही दीवार पर कोरोना वैक्सीन की पेंटिंग एवं नारा लेखन कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें मुक्त इकाई के लिए गए गोद ग्राम गर्रा गोटे गांव में वैक्सीन के प्रति जागरूकता एवं भ्रांतियां दूर करने के लिए दीवार पेंटिंग स्लोगन एवं ग्राम जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया एवं ग्राम में कितने व्यक्तियों ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है व कितने व्यक्ति 45 वर्ष की उम्र से अधिक है इसकी जानकारी भी एकत्रित